उसका 17, 18, 19 के जिस दिन सुहागरात थी उसी दिन उसे वाइफ के हमें मैसेज आता है। मैसेज अब ये तो वहाँ घाटमपुर थाने में मालूम होगा, मैसेज आता है सर। मैसेज के बाद वो कहता है कि मसाला खाने जाता है, बस उसी रात में लापता हो जाता। सुबह उसकी बॉडी मिलती है बरीपाली स्टेशन में। पूनम के साथ सर्विस की शादी हुई थी, उसी के फोन मैसेज आता है और मैसेज के द्वारा ही उसी ने भेजा है पूनम ने सर्वेस को। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग तो सोच रहे थे यहीं कहीं बैठा होगा। तो हम रात भर ढूंढते रहे घाटमपुर के आसपास, चक्कर लगाते रहे, ढूंढते रहे, फोन बिखरते रहे उसके फोन में। कोई हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उस समय में पता नहीं था कि किसने मारा किसने नहीं मारा। जब उसकी कॉल डिटेल निकलती है तब हमको लगता है पुलिस कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनाई हो रही है। शादी, सात फेरे और उसके बाद पति पत्नी की सुहागरात, किसी भी युगल जोड़े के लिए ये स्वर्णिम क्षण होते हैं। लेकिन कानपुर में सुहागरात का दिन ही एक युवक की मौत हत्या की घटना बन गई। उसके बाद माँ बाप, माँ, भाई, भाभी 9 महीने से चक्कर लगा रहे हैं पुलिस ऑफिस के, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे बेटे का जो कातिल है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। सुहाग रात के दिन ही वो बेटा गायब हो गया था, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। ये माँ रात में उठा इधर कार्ड लिए खड़ी हैं और पुलिस कमिश्नर के यहाँ अपनी दरखास्त देने आई है। ये माँ क्यों आई है, क्या दर्द है इनका, क्या कहना है, क्या नाम है आपका, क्या कहना है? हमारा लीलावती नाम, हमारा लड़का गया है, पता नहीं चल रहा है इसका। 9 महीना हो गए, 27 का शादी भेज दिया, 28 के विदा, 17 मई का शादी भेज दिया और विदा 19 का मार्टम हो गया था। वहाँ बड़ी पाल में लाश मिली थी, ना गाड़ी चला पाता था ना कुछ हो। मैसेज आया था उस लड़की का, तो लड़की ने बहू का, तब तो बस वो चली गई थी। पूनम का नाम था, उसी के हाथ से या भाया तब से पकड़ा नहीं गया कोई कातिल। के भाई भी है साथ में, से पूछते हैं क्या नाम है आपका, कब गायब हुआ था, कैसे गायब हुआ? 17 राजू सर, कैसे गायब हुआ था? 17, 18, 19 के जिस दिन सुहागरात थी उसी दिन उसे वाइफ का हमें मैसेज आता है। मैसेज अब ये तो वहाँ घाटमपुर थाने में मालूम होगा, मैसेज आता है सर। मैसेज के बाद वो कहता है कि मसाला खाने जाता है, बस उसी रात में लापता हो जाता। सुबह उसकी बॉडी मिलती है बरीपाली स्टेशन में। हाँ, हत्या की हुई थी सर, पकड़ा कड़ा नहीं गया सर कोई, नहीं सर। अब इधर कहीं इधर जाते हैं, कहीं कानपुर जाते हैं, कहीं इधर जाते हैं, घूमते घूमते इसी में परेशान है सर। 9 महीने हो गए एस पी ऑफिस गया तो वहाँ से वहाँ का, वहाँ से वहाँ, इसके बाद कहने क्राइम ब्रांच में आपका केस चला गया, वहाँ गए क्राइम ब्रांच तो वहाँ मालूम चला कि नहीं अभी थाने में है। इसकी भाभी भी साथ में है, जो भाभी ही उनको सुहागरात के दिन उनको कमरे में छोड़ के आई थी। ये बताइए आपको क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि पूनम के साथ सर्वेस की शादी हुई थी, उसी के फोन मैसेज आता है और मैसेज के द्वारा ही उसी ने भेजा है पूनम ने सर्वेस को। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग तो सोच रहे थे यहीं कहीं बैठा होगा। तो हम रात भर ढूंढते रहे घाटमपुर के आसपास, चक्कर लगाते रहे, ढूंढते रहे, फोन बिखरते रहे उसके फोन में। 17 को शादी हुई थी, 18 को लौट के आई थी, और 18 तारीख को जब लौट के बारात आई थी हमारे घर में, तो इसके फोन में फोन आता है। तो ये कॉल डिटेल से पता चलता है कि इसके फोन में 1867 बात हुई है रात में, मतलब 18 मई को रात में। फिर 19 तारीख का इसका सुहागरात था, उसी के इस मैसेज आया इसके फोन में, और तब इसी ने भेजा है पूनम ने हमारे देवर को। तो वो इस हत्या की FIR आपकी दर्ज हो गई है? हमारी हत्या की FIR दर्ज हो गई है, पर कोई हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उस समय में पता नहीं था कि किसने मारा किसने नहीं मारा। जब उसकी कॉल डिटेल निकलती है तब हमको लगता है पुलिस कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनाई हो रही है। और हम ये है ऐसे परिवार के लोग, ऐसे लड़के की हत्या की गुलथी है ये, जो सुहागरात जिसके किसी भी युवक के लिए जीवन में सबसे स्वर्णिम क्षण होता है, उस सुहागरात के दिन ही उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस FIR भी दर्ज कर लेती है लेकिन 9 महीने हो गए, पुलिस इस मामले में किसी कातिल को नहीं पकड़ पाई। जबकि माँ जिसने 9 महीने इस बच्चे को गोद में पाला था, वो अपने बच्चे के कातिलों को ढूंढने के लिए शादी का कार्ड लेकर के घूम रही है। बहू अपने मायके चली गई है, जिस बहू के साथ युवक को स्वागत मनानी थी वो इस दुनिया से चला गया है, और माँ आंसू पोंछते हुए देखे खड़ी है, कातिलों को ढूंढ रही है। उसमें अभियोग दर्ज है और उसमें विवेचना चल रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे लाइन पे उसकी बॉडी मिली थी और
उसमें और जो तथ्य हैं सारे तथ्यों को जरिए सर्विलांस और सब तथ्यों को इकट्ठा करके जो भी साथी पाए जा रहे हैं घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। इस संबंध में विवेचक को निर्देशित किया गया है और अन्य कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के लिए कातिल कब मिलेगा, कब इसका असली कातिल सामने आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन 9 महीने एक युवक को अपने कोख में पालने वाली माँ 9 महीने से उसके कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। रंजय सिंह, कानपुर तक।